न्यू क्यू कार्ड्स, ऑलमोस्ट सारे क्यू कार्ड ओल्ड ही हैं, एक दो क्यू कार्ड ही न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो फर्स्ट क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पजल यू ट्राई टू सॉल्व। इन दिस क्यू कार्ड यू हैव टू टॉक अबाउट वेदर द पजल वॉज डिफिकल्ट और ईजी एंड हाउ लॉन्ग इट टुक टू सॉल्व इट। आप इसमें किसी भी पजल के बारे में बात कर सकते हैं जो आपने सॉल्व की हो। सेकेंड जो क्यू कार्ड है दैट इज अबाउट टॉक अबाउट अ सर्विस फ्रॉम अ कंपनी और बिजनेस दैट यू इंजॉय। अब इसमें आपको बताना है कि कहाँ आपने वो सर्विस ली, क्या थी वो सर्विस और आपको क्यों वो पसंद आई। इट कैन बी आपको किसी कंपनी ने आपका कोई लाइक मोबाइल रिपेयर किया या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए वहाँ आपको अच्छी सर्विस दी गई। यू कैन टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट जो क्यू कार्ड है वो भी सेम ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। डिस्क्राइब अ गुड सर्विस दैट यू रिसीव्ड एट अ सर्टन प्लेस और ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन। है वही लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। आप स्पेसिफिक ओकेजन आप कह सकते हैं कि मेरे बर्थडे पे मैंने सर्विस मुझे ऐसी दी गई या मुझे ऐसे ट्रीट किया गया किसी सर्टन प्लेस पे, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस दैट इज टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू मूव टू अ न्यू हाउस और न्यू स्कूल। क्वाइट इजी एंड ओल्ड टॉपिक दैट व्हेन यू मूव टू न्यू हाउस और न्यू स्कूल एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन यू वंस मेड। इस टॉपिक में आपको बताना है कोई भी मुश्किल डिसीजन। आई हैव सीन सारे स्टूडेंट बताते हैं कि आफ्टर 12th या आफ्टर 10th उन्हें स्ट्रीम चूज करने में डिफिकल्टी आई। तो ये भी सबका गाइस एक जैसा आंसर हो रहा है। ट्राई टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कोई और भी इसमें आप बोल सकते हैं, एनी अदर आइडिया, कोई और डिफिकल्ट डिसीजन। अब जैसे कि अब आप आयल्स एग्जाम दे रहे हैं तो आपका बाहर पढ़ने का कि कौन सी कंट्री जाना है या नहीं जाना, ये भी तो डिफ़िकल्ट डिसीजन ही है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री जा रहे हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन, एनी आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर हु यू एडमायर। व्हाई यू एडमायर दैट पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट पर्सन डू। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हेल्प द फ्रेंड। When it was, what did you do to help your friend and why it was necessary to help that person, so you can talk about that. कोई भी हो सकती है, चाहे financial help हो, चाहे आपको उसके किसी homework में help हो या किसी assignment में, it can be any. Describe an experience that left you feel disappointed. The other topic is describe an experience that left you feel disappointed. अब इसमें आपको बताना है कौन सा एक्सपीरियंस था जिससे आप डिसअपॉइंट हुए, कैसे आपकी लाइफ अफेक्ट हुई और कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसको लेके अभी। The next topic is talk about a person you admire the most. Here you have to talk about anybody you admire. Like who is the person, tell their age, lifestyle or what kind of work they do and why you admire them. The next topic is describe a place you would like to live in the future. In this topic you can talk about how you learned about that place, where is this place, why you want to live there and what will you do to make it happen. The next topic is describe a time when you had to wait for something. किसका आप इंतज़ार कर रहे थे, क्या किया आपने इंतज़ार करते हुए और कैसा लगा वेट करते हुए फाइनली आपको। The next topic is describe a time you got up early. Some people get up early daily but it is about when you got up very early like at 3 or 4 or 5 a.m. So you have to tell when it was and why did you get up early and how did you feel about it. The next topic is guys very old topic from last 2-3 years. Every student is getting the same topic. Describe a time when you were not allowed to use your mobile phone.
Here you have to tell when it was, why you were not allowed, how you felt, because you are habitual of using mobile. The next topic is describe a company you know that employs a lot of people. In this topic, you have to tell what the company is and how many people does it employ, what kind of people work in that company and how do you feel about that company. It can be IT company, it can be any local company you can talk about. Next is talk about something you have borrowed from a friend. In this topic, first you have to tell what you borrowed, for how long you borrowed, from whom you borrowed, and how you felt after borrowing it. And the next topic is talk about a market you have visited. In this topic, you have to tell where the market is, how you got there, what you bought there. Quite easy topic, guys. The next topic is talk about an activity on the beach you would like to try. We already have seen the topic, any activity near the water, same like that, it is on beach, near the water of course. What activity is, how easy or difficult this activity is, why you want to try this activity. And the next topic is describe your favorite item of clothing. Here you have to tell what type of clothing it is, where you got it, how expensive it is, and why you particularly like that piece of clothing. And the next one is describe a cafe you like to visit, and sometime you get describe a restaurant you like to visit. It's one and same, just few additions. Where this cafe is, where this restaurant is, what kind of food drinks it serves, what do you do there, why you like to go there. And the last topic is describe a famous person you are interested in. Guys, yahan hai famous person, ki kaise aapko pata hai uska, kaise wo famous hua. Pehle tha person you admire the most, wo koi bhi ho sakta tha. Yahan you have to talk about a famous person. These are the latest topics for January 2022. Keep watching community section of our channel where we daily post new topics. Thank you everyone.